हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, ये सुबह के बज रहे हैं 6 और आज मैंने सोचा बालकनी क्लीन कर देती हूँ क्योंकि नवरात्रे भी आ रहे हैं। और देखो यार, कैसी हुई पड़ी है मेरी ये वाली बालकनी, और अब तो सच में बहुत अच्छी हो गई है। ये ना पता शुभी की कार है, ये मुझे सेल करनी है, ये ना पता नहीं ख़राब हो गई है तो इसलिए मैं सेल करने की सोच रही हूँ। और ये सारा इसके ऊपर टोए भी रखे हुए थे और कबाड़ भी रखा है, तो ये सारा कबाड़ ना कट्टे में रख के मैं सारा सेल कर दूंगी। कबाड़ी वाले भैया को भी कॉल कर दी थी, वो भी आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, तो मैंने कहा जब तक मैं सफाई कर देती हूँ फिर वो आ जाएंगे तो उन्हें सेल कर दूंगी। इसमें मैंने सारे गत्ते बॉटल्स वगैरह ये सब रख दिया था, क्योंकि कहते हैं ना त्यौहार आते हैं तो फिर रखने नहीं चाहिए कबाड़ अपना घर में, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी अभी यहाँ पे इस वाली टोकरी में मैंने सुबी के टॉयज रख दूँगी सारे के सारे, और ये सारे पहुँच के सब कुछ रख दिए थे। और इसकी गाड़ी पता है अब तो बहुत अच्छी हो गई है ये वाली बालकनी, वरने इतनी बुरी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। और पेंट वाले भैया भी बुलाने थे मुझे, तो उन्हें भी बुलाया था, वो आए थे अगले दिन, पेंट भी कराया था बालकनी में थोड़ा बहुत। ये शूज़ रैक में रख दिया था मैंने पौधों में पानी डालने वाला, बस यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। अब पता बाल भी इतने गंदे धूल मिट्टी से बहुत गंदे हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कितनी गंदी हुई पड़ी है वाली बालकनी, एक तो हवा भी चलती है धूल मिट्टी से, और यहाँ ना ये वाली बालकनी बहुत दिन से धुली भी नहीं थी क्योंकि गाड़ी रखी हुई थी ना, तो मैंने कहा सारा सब कुछ गीला हो जाएगा इसलिए अभी नहीं कर दी, पर अब आज तो मैंने सारी धो दी और अच्छे से साफ कर दी बिल्कुल। ये लोहे की कढ़ाई थी हमारी, है इसमें तो जंग लग गया, ये भी मैंने सेल ही कर दी। यहाँ पे मैं ये सारी दीवार वगैरह सब साफ कर लूँगी। और ये थोड़ा बहुत ना ब्लैक ब्लैक जो लाइन से आ रही है ना, ये तो यार अब जा ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। कपड़ा भी मारा था मैंने गीला वाला, उससे भी अच्छे से गई नहीं थी। ये पता नहीं किस के पानी के या बारिश आती है ना उसके निशान बन जाते हैं यहाँ पे मिट्टी की हवा से और पानी से, उसकी वजह से रह गए थे निशान यहाँ पे। अब मैं झाड़ू लगा दूंगी पूरी बालकनी में अच्छे से। इस वाली बाग घास ग्रास जो होती है ना, ये इस पे ना सीख की झाड़ू से ही झाड़ू अच्छे से लगती है, फूल वाली जो झाड़ू होती है ना उनसे नहीं लग पाती अच्छे से, इससे ना एक एक कूड़ा बाहर आ जाता है। और चाहे आप फिर धो या मत धो, ये तो मैंने बहुत टाइम बाद साफ़ करी थी ना इसलिए धोई थी, वरना मैं डेली नहीं धोती, एक दिन छोड़ के एक दिन ना यहाँ ग्रास में झाड़ू लगा देती हूँ। मेरी दोनों बालकनी में ग्रास लगी हुई है, एक में नहीं लगी हुई, वो मैंने ऐसी छोड़ी है, वो वॉशिंग एरिया होता है ना तो वहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उसमें नहीं बिछाई हुई है ग्रास। बस ये जो भी कूड़ा निकला था ना यही भर दूंगी, वरना फिर पूरे घर में कूड़ा ही कूड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने अभी डस्टबिन में डाल दिया। ये वाली बाल्टी ना मैं बाहर ही रखती हूँ, ये बाहर का डस्टबिन कर रखा है, जैसे ज़्यादा कूड़ा हो जाता है ना तो उसमें, वरना किचन के वॉशिंग एरिया जो है ना किचन के बराबर में वहाँ पे मैं डस्टबिन रखती हूँ घर का जो होता है ना एक्स्ट्रा में वो। अब ये शुभी के रूम में झाड़ू लगा दी मैंने पूरे में, यहाँ फिर मम्मी जी वाला रूम है ना उस वाले रूम में आ गई थी, मैंने कहा इसमें भी अब झाड़ू लगा देती हूँ मैंने, क्योंकि ये वाले दोनों रूम ना बंद कर दिए थे, फिर दूसरी वाली बालकनी भी क्लीन करनी थी। अब ये वाली बालकनी में आ गई हूँ मैं, जो हमारी फ्रंट बालकनी है, ये वाली जो भी बालकनी पहले साफ़ करी थी ये साइड बालकनी है। अब यहाँ पे हमने ग्रास ना वॉल पे भी लगाई हुई है क्योंकि हमारी ना एक्स्ट्रा बच गई थी ना, तो यहाँ पे सुंदर भी लग रही थी इसलिए लगा दी थी। अब यहाँ एसी पे और ये पता है इतनी हवा चल रही थी यहाँ पे भी, मिट्टी वगैरह सब बहुत ना बहुत ही गंदी बालकनी हो रही थी, आप देखना अभी इतनी मिट्टी धूल निकली है इनमें से बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने कहा इन पे झाड़ू लगा के फिर इन पे पानी मार के भी झाड़ू लगानी पड़ी जब जाके ये क्लीन हुई थी हमारी ग्रास, वरना क्लीन ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा थोड़ा यार टाइम तो लगता ही है इसमें। अब ये देखना यहाँ पे इतनी मिट्टी धूल, ये छोटी छोटी वाली ग्रास जो हमने टुकड़ों में बिछाई हुई है ना, ये वाली तो बहुत धूल मिट्टी से भरी पड़ी थी बहुत ही ज़्यादा इस वाली बालकनी में, क्योंकि फ्रंट वाली है ना सामने से आती है धूल मिट्टी सारी, तो ये क्लीन करके अच्छे से और वॉश, मैं जब पूरे घर में पहले झाड़ू लगाने की सोच रही थी, मैंने कहा झाड़ू लगा देती हूँ फिर उसके बाद धोऊंगी दोनों बालकनी। यहाँ शुभी तो मेरे साथ ही काम करवाती है सारा, आज तो पता है झूले में भी नहीं बैठ रही थी, इसमें कह रही मैं मतलब जहाँ जहाँ मैं काम कर रही थी ना मेरे साथ ही लग रही थी, और मुझे एक एक चीज़ दे रही कि मम्मा ये बालकनी क्लीन हो गई है दोनों अच्छे से बहुत बढ़िया, और धो भी दी हैं। बस धोने के टाइम पे ब्लॉग नहीं बना पाई कहाँ गए, जल्दी जल्दी भूख भी लग रही है ना, चाय पियूंगी पहले।
सब दोस्तों चाय पी के यहाँ, फिर मैं आगे पोंछा लगाने के लिए। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी यार पोंछा भी लगा देते हैं। अब देखो मतलब घास देखो धुल के ना अलग ही चमक रही है। और मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में कि मैं मतलब साफ़ होने के बाद कैसी लग रही थी। और ये रूम में सब में पोंछा लगा के फिर मैं यहाँ पे हॉल में आ गई। अब आप देखते होगे कि मैं मतलब कैमरा ना ऐसी ऐसी जगह रख देती हूँ हर एक वीडियोस में ना, मेरा मतलब घर का जो लोकेशन सी होती है ना, नक्शा होता है वो अलग ही दिखता है कभी कभी कि ये कहाँ कह रही है, ये कहाँ कह रही है, इस तरीके से क्योंकि फ्लैट बड़ा है ना हमारा थोड़ा, तो इसलिए मैं अलग अलग लोकेशन में रख देती हूँ ताकि हर एक फुटेज जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है, बट हम पे डाइनिंग टेबल नहीं है और मुझे लेना भी नहीं है। पता है मुझे ऐसा लगता है ये ना जगह ही फालतू में गिरती है इससे, तो मेरे को पसंद भी नहीं है सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को उस पे डाइनिंग टेबल पे खाने की आदत भी नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रिज रख। 2 किलो कहाँ है, आ गया तो 3 किलो कुछ आ रहा है ना। तो ये कैसे लिख रहा है, कट रहा है। अच्छा 2 किलो ठीक है। तो ये तुम गत्ते पत्ते का हिसाब से लगा रहे हो पूरा अलग अलग, तो मतलब वैसे भी खला के ले जाना पड़ेगा, कट्टा तो मेरे को रखना है ये, तो वैसे ही तोड़ लो ना तुम अलग अलग के हिसाब से थोड़ा। अलग अलग में कितना बैठ जाएगा मैम, 2 किलो माल है, 2 किलो में कितने बैठ जाएंगे? जैसे तुम 12 प्लास्टिक का बता रहे हो हाँ। और उसका बता रहे हो क्या नाम है गत्ते का हाँ। गत्ता 8-7 रुपए किलो का करता है। अब ऐसे लगा लो चाहे इधर से लगा लो, एक ही बात। 16 तो करो। कितने हो गए फिर, कितने हो गए? गाइस सारा काम करके फिर यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई थी तैयार होने के लिए। यहाँ पे मैंने लोशन लगाया था क्योंकि फेस ना फटाफट ऐसा हो गया था धूल मिट्टी से। और लोशन तो वैसे भी लगाती हूँ मैं, और कोई क्रीम वगैरह मैं इतना यूज़ करती नहीं हूँ। और सिंदूर भी मैं डेली लगाती हूँ, या गले पे भी अच्छा लगता है मुझे लगाना, कहते हैं कि लगाना चाहिए, तो इसलिए अब यहाँ बिंदी लिपस्टिक मैं डेली तो नहीं लगाती बट कभी कभी लगा लेती हूँ। और यहाँ पता है यार यहाँ का जो पानी है ना, हमारे यहाँ का बहुत खारा पानी है, तो यहाँ के बाल ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं मेरे यहाँ पर आके, देखो कितने ज़्यादा, ये तो बहुत कम है फिर भी। सो दोस्तों काम सब हो गया है मेरा, मैं नहा भी ली हूँ, कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करके अभी 11 बज रहे हैं फिर खाना बनाऊँगी। 11:30 बजे राजमा उबालने रख दूँगी, राजमा बॉयल हो जाएंगे ना फिर छोड़ दूँगी, क्योंकि प्याज लहसुन तो डलेगा नहीं, शराद है, बस टमाटर में ही छुकने ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, और दोस्तों आप ज़रूर बताया कीजिए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़। और अभी हेयर फॉल इतना हो रहा है, लेकिन अभी तक आईब्रो पर लिप्स भी बनवानी है, नवरात्रों में बनवाऊँगी, बहुत ज़्यादा हो रही है, नवरात्र में क्या करवा चौथ आई रही है फिर जल्दी बनवाऊँगी। अब दोस्तों कितना किचन में आ गई हूँ राजमा बॉयल करने के लिए। पता है दोस्तों ये मैंने बिना भिगोए बनाया राजमा, और मैं आपको इसकी रेसिपी भी मैं बताती हूँ, मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। और ये राजमा पता है पहले मैंने धो के अच्छे से, और इस कुकर में ना एक विसल लगाई थी, और एक विसल मतलब पूरी लगाई नहीं थी, आने से पहले ही मैंने बंद कर दी थी। फिर उसके बाद जो फ्रिज का पानी होता है ना बिल्कुल चिल्ड वाला, वो वाला मैंने डाला था ठंडा पानी इसमें, जितना आपको पानी मतलब गाढ़े रखना है उस हिसाब से। फिर वो पानी मैंने अभी बोतल से इसमें डाल दिया, और इसमें फिर मैंने वही 4-5 विसल लगाई थी जितनी आप राजमे में लगाते हो, वैसे 4 विसल में हो जाता है। फिर 4 विसल के बाद यहाँ पे अब मैं टमाटर, अभी विसल आ रही है तो मैंने सोचा इतने टमाटरों का पेस्ट बना देती हूँ। इसमें मैंने 4 हरी मिर्च और टमाटो डाले थे, अब इनका मैं मिक्सी में पेस्ट बना लूँगी, क्योंकि प्याज लहसुन डाल नहीं सकता, शराब चल रहे हैं इतने। फिर यहाँ पे मैंने चावल के लिए पानी भी चढ़ा दी, क्योंकि चावल मैं पसा के बनाती हूँ, तो यहाँ पे चावल का पानी रख दिया, और इतने ही चावल फिर मैं यहाँ पे जितने भी मुझे का बनाने थे तो मैंने धोने रख दिए, धो के थोड़ी देर भिगो के, और जितने पानी में उबाल आया फिर मैं उसमें डाल दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे आटा भी गूंदने रख दिया था, मतलब ये तो जितने देर में विसिल आती ना मैंने अपने सारे काम करके रख दिया था, बस सब्जी छोंकनी रह गई थी, तो ऑलमोस्ट सारा काम मेरा हो ही गया था। जब तक मम्मी आती तो सारा काम मेरा
खाना वगैरह सब बन गया था, क्योंकि फिर मम्मी आके खाना खाती, हम भी भूख लगती है फिर यार 1 बजे तक, और खाना हमारे यहाँ पे 12 बजे ही बनता है। तो यहाँ पे आटा भी गूंथ के रख दिया, सुबह तो 24 घंटे मेरे साथ रहेगी, चाहे मैं खाना बनाऊँ या ना बनाऊँ, पता नहीं इसको क्या है, दिमाग ख़राब करती है कभी कभी। अरे यहाँ पे मेरी विस्सी भी आ गई थी सारी कंप्लीट, और बहुत अच्छे से उबल गए थे यार, मतलब आप भी कभी ट्राई करना। और पता है बिना उबाले वाले जो होते हैं ना राजमा, बहुत टेस्टी बनते हैं सच में। ये मैंने अपनी मामी से सीखे थे, मेरी मामी बनाती हैं। और यहाँ पे पता है जीरा भी ख़त्म हो गया था, मैं लाना भूल गई थी, तो मैंने इसलिए फिर ऐसे बिना जीरे के ही बना दिए थे। उसमें थोड़ा सा घी डाला था, ऑयल में नहीं बनाए थे मैंने, और थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। फिर इसमें ही डाल दिए मैंने टमाटो, और पता है हम लाल मिर्च तो डालते नहीं है, तो सब सोचते कि लाल मिर्च से ही कलर आता है, और आप देखना पता है मेरा बिना लाल मिर्च के ही कलर आ गया था, क्योंकि इसमें राजमे का जो कलर होता है ना वो ही आ रहा था। हम भिगो के जो रख देते हैं ना, उसमें सारा कलर और टेस्ट सब उसी में चला जाता है हमारा। तो यहाँ पर जैसे आप नॉर्मल छोंकते हो अपने हिसाब से छोंक सकते हो राजमा, और टमाटर प्याज लहसुन जैसे भी आप खाते हो। फिर वो सब हमने करके फिर यहाँ पे मैंने इसमें एक विसिल और लगाई थी, और एक विसिल लगाने के बाद मेरे राजमा बिल्कुल अच्छे से बन गए थे। अब यहाँ पे मैंने ये राजमा में एक विसिल लगाई थी, फिर उसके बाद ये, क्योंकि हम पतले खाते हैं ना, ज़्यादा गाढ़े पसंद नहीं है, तो चावल के साथ तो पतले ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे रोटी बनाने लग रही हूँ, क्योंकि 1:30 बज गए थे, तो हमने कहा खा लेते हैं क्योंकि भूख लगती है इस टाइम पर। अब यहाँ पर रोटी बना देंगे, फिर हम खा के थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, अगर शुभी सो जाती है हमारे साथ तो हम सो जाते हैं, वरना फिर तो जगना ही पड़ता है, शुभी की मर्जी है, मैं सुलाना ना सुलाना। अब यहाँ पे रोटी बना के फिर खाना वगैरह खाएंगे। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ एक नए और अच्छे व्लॉग के साथ आपको ज़रूर मिलूंगी, जब तक के लिए मेरा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, टाटा बाय बाय।